लेकिन बाद वो अपने बिस्तर की जिन्नत बन गए और वो मजलिस में नहीं आया करते। बहरहाल बात करने का मकसद ये है, जब एक बानी मजलिस बर्पा करता है तो ये कोशिश करता, उसकी तमन्ना ये होती है कि हमारे मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हों, हमारे अज़ाखाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों। उसकी तमन्ना ये होती है, लेकिन फिर भी लोग जब मजलिस शुरू हो जाती है, मजलिस बर्पा हो जाती है, तो मसाइब का इंतज़ार करती है कि कब मसाइब शुरू हो और कब हम अज़ाखाने में दाखिल हों। याद रखिएगा कि शेख सुदूक अलैहिर रहमा से इरशाद है, वो फरमाती है कि जिस तरीके से तुम बानी मजलिस बर्पा करने से पहले एक खतीब को मुअय्यन कर लेता है कि कब उसको खिताबत करना है, एक नौहा खान को मुअय्यन कर लेता है कि किसको नौहा पढ़ना है, इसी तरीके से फर्श अज़ा बिछने से पहले वहाँ पर एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि किसको आना है और किसको नहीं आना है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने चाहा कि ऑनलाइन हमें बंद कर दें, ऑफलाइन बंद करें,
वाह वाह। अगर हम आयरिंग डायरी माफी हुआ होते तो मिल जाते, लेकिन सोचिए अगर नहीं किसी बातों पर सोना हराम है, इस आवाज पर तो हम मरवा लें। याद रखिएगा कि फजाइले अली पे हाथ उसी के उठते हैं कि जिसको मौला
तौफीक देते हैं, क्योंकि जिन्हें मौला तौफीक नहीं देते उनके तो हाथ नमाजों की नहीं खुला करती। वाह 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 वाह, थोड़ा सा हाथ खोलिए, क्योंकि ये हमारा ही मुजजा है, ये हमारे ही पास शरफ है कि जो हमारा हाथ आज मातम के लिए उठ जाता है। आज हमारा हाथ जो देखिए, तवज्जो करिएगा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना, कि ये आज हमारी शरफ के लिए बात है कि आज ये हमारा हाथ सीने तक पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों के मौला ने हाथ यहीं तक रखे, सीने तक नहीं आने दिया। वाह भाई वाह, बहुत सारे लोगों का हाथ यहीं तक बधा रखा, यहीं तक बाकी रखा, सीने पर हाथ नहीं आने दिया। आप ही वो कौम है कि जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ बधा नहीं है। इसीलिए हम जब अपनी इबादत नमाज में नहीं बांध सकते तो फिर रजादारी में कैसे बांध सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी ने इरशाद फरमाया कि जो हाथ तुम्हारे सीने पर पड़ते हैं, ये तुम्हारे सीने पर नहीं पड़ते। सीने पर तो पड़ते हैं, लेकिन ये हाथ तुम्हारे सीने पर नहीं पड़ते, बल्कि ये दुश्मनों के ऊपर एक तमाचा है। वाह भाई वाह, देखिएगा ये हमारे अंदर क्वालिटी है। जुमला बदल रहा हूँ, अगर पहली बार या जहन में अगर हो तो दुआएं जरूर दीजिएगा। मातम हम करते हैं, दर्द किसी और को होता है। वाह भाई वाह 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 वाह, मातम हम करते हैं, दर्द किसी और को होता है। जुमला बदलू, आग पर हम चलते हैं, पाँव किसी और के चलते हैं। वाह 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 वाह, जुमला बदल दू, आज अजादारिये इमाम हुसैन में दौलत हम लुटाते हैं और कटोरा लेके भी कोई और मांगता है। वाह 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 वाह, कटोरा लेके भी कोई और मांगता है। याद रखिएगा, ये वही लोग हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश होती है तो ये बरसाती में ढक निकलने लगते हैं। देखा है ना कि जैसे ही बारिश हुई ये बरसाती में ढक निकलने लगते हैं। ऐसे ही जैसे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, ऐसे मुफ्ती फतवे देने लगते हैं। वाह 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 वाह, याद रखिएगा, ये वही मुफ्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फतवा देता है जो मुफ्त में पैदा होता है। वाह 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 वाह, मुफ्ती जो मुफ्त में पैदा होता है। आपने देखा कि जौनपुर के शागंज में किस तरीके से ताजिया की बेहुरमती की गई। एक जुमला दे रहा हूँ, दुआएं दीजिएगा कि नजिस जानवरों के नुतफे से पैदा होने वाले नजिस जानवर क्या जानेंगे ताजिया की अजमत क्या है। वाह 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 वाह, क्या जानेंगे ताजिया की फजीलत क्या है। ये तो वो लोग हैं, याद रखिएगा, ये हमारे मातम का असर था, ये ताजिये का असर ये होता है, ये अलम का असर ये होता है कि अच्छे अच्छे के अच्छे अच्छों के देखने से निकाह टूट जाता है। वाह 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 वाह, अच्छे इसे देख लेते हैं तो उनका निकाह। देखिए मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। वाह 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 वाह, क्या होता है, निकाह टूट जाता है। आपने कभी गौर फरमाया, टूट तो जाता है लेकिन दोबारा पढ़वाते भी नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़वाती भी नहीं है। जब पढ़वाएंगे ना तो औलाद क्या पैदा होगी। वाह भाई वाह 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 वाह, कि अली का जिक्र हर इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए तो शायर ने कहा था कि चंद सिक्कों में कलम जिन्होंने अपने बांटे। वाह भाई वाह, चंद सिक्कों में कलम जिन्होंने अपने बांटे, उनका चेहरा भी नहीं रूह भी काली होगी। वाह 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 वाह, उनका चेहरा भी नहीं। तीसरा और चौथा मिसरा चाहे जैसे इस्तकबाल करिएगा, बस बुजुर्गों से बस हौसला चाहिए, नौजवानों से दाद चाहिए कि चंद सिक्कों में कलम जिन्होंने अपने बांटे, उनका चेहरा भी नहीं रूह भी काली होगी। और ताजिया देख के भी टूट गए जिनके निकाह, उनकी औलाद भला कैसे हलाली हो। वाह भाई वाह, अली का नाम जब लिया
जब अली का नाम लिया करे तो सीना को तान की लिया करे। क्यों? क्योंकि अली के नाम लेने से अम्मा की शराफत का पता चलता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इंसान अली का नाम नहीं ले सकता, इसीलिए तो शायर ने क्या खूब मिसरे कहे थे कि हाँ अहद सितम दर में तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। वाह भाई वाह। बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है, वाह 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 वाह। गिरते हैं तो अली अली करते हैं, संभलते हैं तो अली अली करते हैं, घर में है तो अली अली करते हैं, बाहर है तो अली अली करते हैं, मुश्किल आए तो अली अली, मुश्किल चली तो अली अली। हम ही वो कौन है जो हर वक्त अली अली करते हैं। इसी अली के लिए रसूल ने इशार फरमाया कि सलवात पढ़ो मोहम्मद। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। या मैंने पहचाना या मैंने खुदा ने पहचाना। ये रसूल ने इशारा फरमाया, उसके बाद वाकया ये हुआ कि जनाब सलमान मस्जिद नबवी से खारिज हुए। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा ऐ सलमान ये बताइए मस्जिद में कौन कौन बैठा हुआ है। तो जनाब सलमान ने कहा जुमला पलट रहा हूँ, चाहे कैसे सुनिएगा भैया, जब अली को
वाह वाह भाई, जाहिर सी बात
उतारा होगा, खाना खोल कर दिया होगा, लिखा जब इसने क्या लिखा कि दूध और चावल है, इसने क्या लिखा दूध और चावल है, उसने कहा कि भैया सब चीज दे दो पर दूध और चावल नहीं खाऊंगा, उसने कहा हमसे कोई मांगे और मांग कर न खाए ये हमारी शान के खिलाफ है। वाह भाई वाह, हमसे मांगे और मांग कर न खाए ये हमारी शान के खिलाफ है। अब उन्होंने कहा तुमको तो हम खिलाएंगे, अगर तुम ऐसे न खाओगे तो झूठ झूठ कर खिलाएंगे, अगर ऐसे न खाओगे तो वही हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब जाहिर सी बात है उन्होंने जबरदस्ती से खिलाया। अब कैसे जबरदस्ती खिलाया जाता है आप बात जानते हैं, किसी को कैसे खिलाया जाता है बेहतर जानते हैं। अब ये खाकर मदीने में दाखिल हुए, रास्ते में मौला से मुलाकात हुई, मौला ने कहा क्या खाया, मौला ने कहा क्या खाया, कहा मैंने दूध और चावल नहीं खाया, मैंने दूध और चावल नहीं खाया। इमाम ने फरमाया तूने क्या क्या खाया है मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन जिंदा जिंदा
या मैंने पहचाना या तो मेरे खुदा ने पहचाना। बेशक यही वजह थी कि लोगों ने देखी जानना और होता है और पहचानना और होता है। मदीने का हर इंसान जानता था कि हुसैन रसूल के नवासे हैं, लेकिन फिर भी रसूल ने ये कहा मिंबर पे ले जाके कि पहचानना